लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क के ऊपर बात किया था। ये भी हम लोगों ने बताया था बिजनेस रिस्क का कारण होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करना, और फाइनेंशियल रिस्क का कारण होता है फाइनेंस दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को इंक्लूड करना। नाउ सवाल है ये रिस्क क्यों है, ये कहां का रिस्क है, मतलब अगर जिस तरीके से मेरा अर्निंग बढ़ रहा है उस तरीके के अगर रिटर्न पर शेयर ईपीएस सेम रेट में नहीं बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है बा उससे कम बढ़ता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज। जैसे ही ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाता है वो हो जाता है आपका वेरिएबिलिटी, दैट इज अ वेरिएबिलिटी, डिस्प्रोपोर्शनेट वेरिएबिलिटी ऑफ अर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबिलिटी इन सेल्स, तो वो हो जाता है ड्यू टू बिजनेस रिस्क, और वो मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज से। सिमिलरली फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है सर, डिस्प्रोपोर्शन चेंज ऑफ ईपीएस ड्यू टू चेंज इन अर्निंग, मतलब अर्निंग के साथ अगर ईपीएस का डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब अर्निंग बढ़ रहा है 10% और ये बढ़ रहा है 10% से ज्यादा बाकम व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, हम लोग इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट, नॉट इन द सेम प्रोपोर्शनेट। सेम प्रोपोर्शन होता तो क्या होता, ये भी 10% बढ़ता तो ये भी 10% बढ़ता। इन दैट सिचुएशन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं सर दैट इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज। लेकिन जैसे ही डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं आइदर फाइनेंशियल रिस्क है और बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क पता चलता है रेवेन्यू के साथ, दैट इज सेल्स के साथ चेंज के साथ अगर अर्निंग का डिस्प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। फाइनेंशियल रिस्क पता चलता है अर्निंग का चेंज के साथ ईपीएस का प्रोपोर्शनेट चेंज। अच्छा सर दोनों रिस्क को अगर कंबाइन करते हैं, यस कंबाइंड रिस्क, इस प्रोपोर disproportionate change in EPS due to change in revenue for existence of fixed operating cost and fixed financial cost. It is measured combined risk refers to measured by the degree of combined, it is measured by the degree of combined leverage.
degree of combined leverage equal to contribution मैं लिख सकता हूं ये भी degree of combined leverage equal to Change in EPS I percentage change in sales that is equal to EOL into तो मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू डीओएल इनटू डीएफएल. डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? देखिए डीओएल का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ओके, so we can say that degree of combined leverage is, हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही थे सर. ये कैसे आया, पहले क्या करते थे, डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, contribution by EBIT, और ये EBIT by that. तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर, DCL is a DOL by DFL. एक्चुअली नाउ क्वेश्चन इज ए डीएफएल क्या सिखाता है आपको. कहीं पर अगर मान लीजिए डीओएल इंप्लीकेशन ऑफ डीसीएल, डीओएल क्या होगा, डीओएल का इंप्लीकेशन क्या है, डीओएल का इंप्लीकेशन क्या है, कोई बोल सकते हो? सपोज डीओएल मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो मेरा अगर डीओएल बोल दिया है 1.2, इसका मतलब सेल्स अगर 10% इंक्रीज करता है, ईबीआईटी में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, 12%. ओके, तो इंप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेवेन्यू ओवर ईबीआईटी. एग्जाम्पल डीओएल इक्वल टू 1.5 मीन्स इफ सेल्स इंक्रीज बाय by 10%, then
EBIT will increase by how much? Follow? 10% into 1.5, that is equal to, मतलब 10% अगर रेवेन्यू में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट ईबीआईटी में कितना पड़ेगा? 15%. सिमिलरली इंप्लीकेशन ऑफ डीएफएल इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी over EPS. Example, DFL 1.7 means if sales increase by 10%, then EBIT increase by 10%, then EPS will increase by 10. Next, implication of DCL. Effect of change of revenue over EPS. If DCL 2.5 means if sales increase by 10%, EPS will increase by 5%. Clear or not? Yep, clear. एकदम. Now अच्छा बोलो तो अगर DOL 1 होता है इसका मतलब क्या है? DOL 1 सबको पूछ रहा हूं, सो मत जाइए आप लोग. मैं ऐसे ही सुनने में मेरा प्रॉब्लम होता है. हाँ बोलो तो. So, बोलो DOL 1 इसका मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर कट आइडिया रखो. DOL 1 मतलब सर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 1. यस और नो? यस सर. इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. यस और नो? यस सर. कौन सा सिचुएशन में ये पॉसिबल है? कौन सा सिचुएशन में इट इज पॉसिबल? जितना सेल्स बढ़ रहा है उतना ही अर्निंग बढ़ रहा है, कोई डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं है. कौन सा सिचुएशन में ये पॉसिबल है बोलो बेटा, ट्राई तो करो. कौन सा सिचुएशन में पॉसिबल है सर? डिस्प्रोपोर्शनेट तभी होता है अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है. अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग नहीं रहता है सर, दोनों ही तो सेम आ जाएगा. मतलब नो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सभी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरिएबल. अगर सभी ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल है तो मैं क्या बोलूंगा? दोनों ही प्रोपोर्शनेट चेंज सेम रहेगा. अच्छा DOL अगर बिलो 1 होता है, मतलब सर फॉर्म इज ऑपरेटिंग अंडर बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? चलिए
इलास्ट्रेशन, फॉर्म एबीसी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Cells two thousand units at the rate of rupees 50. Variable cost. At the rate of rupees 15. Variable cost rupees 15. थोड़ा माइक बंद रखिए. मनीषा यस सर है हम. माइक को बंद रख बेटा. फिक्स कॉस्ट कॉस्ट $25,000. Capital structure. $20,000. $2,000 equity shares. ₹10 each. ₹10 pref shares. $10,000. ₹12% loan. Additional information. Tax rate. Corporate dividend tax. Calculate number 1 degree of giver ages. DOL, DFL, and DCL. Number 2. Number 2. If sales increased by 20%,
what is the effect on EPS? If sales increase by 10%, what is the effect on EBIT? Calculate operating break-even point. Calculate financial break-even point. How much drop of EBIT is necessary to bring down EPS equal to zero? Okay. यहाँ पर और एक लिख सकता हूँ. What is the effect on sales if EPS drop decreased by 10%? Do the problem. सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट. अच्छा, सबसे पहले वन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट शुरू करते हैं. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. मैंने आपको दिया है, करना पड़ेगा. सॉल्यूशन इनकम स्टेटमेंट calculation of EPS, DOL, EFL and DCL.
कैलकुलेशन रुपीज सेल्स हाउ मच सेल्स सर 20 था 2000 यूनिट 50 करके हाउ मच वन लाख यस वेरिएबल कॉस्ट कितना Variable cost how much? 2000 units into rupees how much? 30. Not 20. Bach gaya. Contribution. EBIT 35,000 Less interest. Sir, अगर interest रहेंगे तो लेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं लेंगे. Twelve percent on 30. क्या बोलेंगे EBIT बोलो 31,400 less tax ये क्या टैक्स है इनकम टैक्स कितना परसेंट 30% कितना 9420 दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स बाय करेक्ट भी नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21,980 Hey, profit after tax, earning after tax, or profit after tax. Iska aur ek bhi naam hota hai net profit. Less kya hai? Preference Preference dividend कितना Preference dividend how much 10% on 10,000 सर ये थी का अमाउंट लिख लीजिए बोलिए 21,980 that is 1,000 yes sir okay लेस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ेगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यू हैव टू पेड हाउ मच
10% on ना 15% आई थिंक नरे यस सर यस सर 15% ऑन व्हाट ऑन डिविडेंड. मैं आप लोगों को बता देता हूं दैट इज अ 90% सिचुएशन जहां पर आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इग्नोर सिंपली इग्नोर. 1500 क्या होगा अर्निंग अवेलेबल सर 1000 का 15% हुआ है 10,000 होगा तो सर वहां पे 15% होगा अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना ठीक है यस सर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर number of equity share how much 2000 earning per share kitna 10.415 क्या होगा DOL फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EPAT तो आई विल कॉपी दैट वन DOL इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBIT मतलब हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 और EBIT comes to 1.714 DFL EBIT how much? 35,000 EBIT 35,000 interest 3,600 हाँ interest 3,600 pref dividend Pref dividends are 1,100. Pref dividend is 1,000. Dividend distribution tax 1.05. Okay. Tax rate 30%. Done.
यस सर यस सर ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किया और डिविडेंड सिंस आफ्टर टैक्स आइटम होता है तो उसको बिफोर टैक्स करने के लिए उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड किया और प्रेफरेंट डिविडेंड के साथ ये क्यों ऐड हुआ है सर कंपोनेंट बिकॉज प्रेप डिविडेंड तो सिर्फ देने से नहीं होगा उसके साथ डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है मतलब मैं दूंगा तो 1000 रुपया लेकिन मेरा अल्टीमेट खर्चा 1150 होगा बिकॉज गवर्नमेंट को भी तो मुझे टैक्स देना पड़ता है उस डिविडेंड के लिए सो टोटल खर्चा 1000 प्लस 150 दो मिला के 1150 मतलब प्रेप डिविडेंड दोगे तो ऑटोमेटिकली 1150 तुम्हारा खर्चा होगा क्लियर आंसर बोलो सर नाला कहां कहां से आता है मेरे जिंदगी में भगवान जानता है आंसर बोल 0.809 क्या बोल रहा है सर 1.17 आ रहा है बहुत तुम लोगों ने किया है 10 divided by 0.7 plus 3600 minus 35,000 29,757 1.176 yes or no मैं जानता हूँ सर ये तो कैलकुलेट हम लोगों से होगा ही नहीं यस आई नो वेरी वेल तुम लोगों से मर भी जाओगे कैलकुलेट नहीं होगा अगर नहीं दिखाता हूं तो चलो 35,000 minus 3600 prep dividend kitna sir 1150 divided by 0.7 क्या होगा 35,000 माइनस 3,600 कितना 31,400 माइनस 1,150 डिवाइडेड बाय 0.7 1643 okay so that is 35,000 divided by I think अब क्लियर है आप लोगों का yes, sir. Okay? बहुत लोगों का थोड़ा हेजिटेंस हो रहा था सर कैसे कैलकुलेट के इसलिए मैंने स्टेप 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 दिखाया
DCL कंबाइंड लीवरेज क्या होगा? DOL into DFL, that is मैं आराम से लिख सकता हूं 1.71 into 1.176 2.01 और कुछ नहीं, ठीक है? यस सर। EPS DFL पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर लव यू में 1 और 2 ये दोनों ओवर, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। अब नंबर 3, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ईपीएस? बोलो तो एक क्या करना पड़ेगा। देखो एक प्रोसेस तो होता ही है, अब सेल्स को 20% बढ़ा के पूरा स्टेटमेंट कीजिए भाई, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ये सब टेक्निक सीखने का मतलब क्या, इतना टाइम लगा के अगर करना ही पड़ेगा तो बोलो 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 बोलो, मजा करके बोलो। बोलो सर, EBIT डायरेक्ट चेंज करे दिले तो हो जाबे, कारण ओटा तुम जानते जे छी कोनटा, बोलो तो व्हिच वन EBIT ऑफ सेल्स एंड ईपीएस, सेल्स और ईपीएस के साथ कौन आइटम रिलेशन दिखाता है? सेल्स के चेंज के साथ ईपीएस का चेंज का रिलेशन कौन सा आइटम शो करता है? सर नंबर ऑफ शेयर ना, एकदम कंट्रीब्यूशन ना सर, एक छोटा आइटम जो रिलेशन को दिखाता है, कितना सेल्स बढ़ने से कितना ईपीएस का इंपैक्ट होगा। सर ईबीआईटी, ईबीआईटी तो चेंज होगा, इट इज कॉमन, लेकिन मैं डायरेक्टली निकालना चाहता हूं, ऐसा कौन आइटम से मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा सेल्स के साथ ईपीएस का रिलेशन कौन दिखाता है? सर अर्निंग आफ्टर टैक्स की जो हमने बैक कैलकुलेशन करे थी सर, तो सेल्स को ही 20% बढ़ा के कर सकता हूं, सेल्स जो दिया है उसके साथ 20% ऐड करके, नहीं इतना कोई कैलकुलेशन नहीं, एक पॉइंट में ही आंसर होगा। सर डीओएल से तो हो सकता है ना सर? DOL से कैसे होगा सर? उसको 20% सर 20% उसको बढ़ा देंगे। बढ़ाओ, मैंने तो DOL तो मैंने तो सेल्स के साथ EPS बोला है। सेल्स के साथ EPS बोला है, आज में आज ही पर आया है, उसके बाहर कुछ नहीं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सर? नो अभिषेक, सिंपल सवाल, दो नंबर देगा, दो भी नहीं एक नंबर देगा। सेल्स अगर 20% बढ़ता है तो उसका इफेक्ट ईपीएस में क्या पड़ेगा, आपने सीखा है? आप लोग एक भी ओई इस लाइन में नहीं जा रहे, पूरा आउट ऑफ द ट्रैक निकल के जा रहे हैं। सर ईपीएस भी तो बढ़ जाएगा ना सर 20%? तो मुझे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ना, सेल्स अगर 20% बढ़ता है, ईपीएस अगर 20% भी बढ़ता है, तो लीवरेज का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन में देखना पड़ेगा। बाप रे, तो कैलकुलेट का तुम बात बोल रहे हो, मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना कैलकुलेट कैसे करूंगा? इंक्रीज ऑन 10% जो था वो बोलने के बाद सब शर्म के शर्म लगेगा सबको, मन में लज्जा होगा आपको अगर मैं आंसर बोलूंगा तो। बोलो
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। किसी का दिमाग में नहीं आ रहा है सर कंट्रीब्यूशन। घूम फिर के कंट्रीब्यूशन में मर रहा है, घूम फिर के गिर रहा है। दिमाग है ना, क्या है तुम लोगों का? मैं बोल रहा हूं एक ही लाइन से हो जाएगा। कौन सा आइटम जो सेल्स के साथ कॉस्ट के 20% बढ़ाते हो अबे? सब खुद को पंडित मानते हो तो सेल्स के साथ कौन सा आइटम ईपीएस का रिलेशन दिखाता है? कौन सा चीज जो परसेंटेज सेल के साथ ईपीएस का रिलेशन दिखाता है? माता ढोकले तो बोल दे। आप लोग जानते हैं ऐसा कुछ कठिन चीज सोच नहीं पूछता है और बिना कराया हुआ किस तो कभी नहीं पूछता है। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या? वेरिएबल कॉस्ट क्या? अनाप शनाप तुम लोग बोल रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, जो मन में आ रहा है उल्टा पुल्टा लगा रहे हो। सिंपल एक लाइन में आंसर होगा, एक लाइन आंसर पूरा निकाल के दे दोगे। मन घड़ंग आंसर नहीं है, एकदम डायरेक्ट आंसर निकाल के दे दोगे। दैट इज द अमाउंट। बहुत किया तुम लोगों ने, छोड़ो शरम बरम तुम लोगों को तो होगा नहीं। उनके भी स्टडी नहीं करते, घर में रहे तो घर में घर का काम करने के लिए, घर में उस लिए हो घर का काम करूंगा ना करो सारा जिंदगी भर घर का काम। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20% व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ईपीएस? वी नो दैट BCL indicates the relation between sales and EPS. EPS का मतलब क्या है? DCL का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यस और नो? डीसीएल इक्वल टू, पंडित बैठे हैं सब लोग उल्टा पुल्टा बक रहा था बैठ के, जो मन में आया लगा रहा है। थोड़ा पढ़ाई ध्यान दो भाई, मतलब फॉर्चुनेट इनफ हो बिना कुछ करे ही ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, बहुत पुण्यवान जिंदगी तुम लोगों का है। कॉपी मार के ग्रेजुएट और वो भी फर्स्ट क्लास से ऊपर नंबर, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ये सब हायर लेवल का चीज, पढ़ना पड़ता है। क्या करोगे इंटरव्यू में जाके? थप्पड़ मारेगा मुंह के ऊपर और मार्कशीट में क्या दिखाओगे? शर्म के मारे 90%। 90% एक स्टूडेंट का मतलब जानते हो स्कोर का? जो तुमको पढ़ा रहा है वो भी खुद 90% मार्क्स नहीं मिला था उसको। ठीक है, खुद का जिंदगी खुद निकाल। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये नहीं जानते थे तुम लोग? BCL कितना बोल दिया है? BCL इक्वल टू सेट 2.01 सेल्स इंक्रीज
by 20%. Percentage change in EPS equal to क्या होगा 2.01 into 20%. How much? क्या बहुत कुछ लगा था करने के लिए इसको? समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्या कठिन था इसमें बेटा? एक लाइन का रिलेशन हो तो स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेशन ही तो ही था। सेल्स के साथ ईपीएस का रिलेशन दिखाता है डीसीएल, सेल्स के साथ ईबीआईटी का रिलेशन दिखाता है डीओएल, एंड ईबीआईटी के साथ ईपीएस का रिलेशन दिखाता है डीएफएल। यही तो था। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द इफेक्ट इन ईबीआईटी? बोलो, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, इफेक्ट इन ईपीएस ईबीआईटी हाउ मच? कौन ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? डीओएल, सॉरी डीओएल। हाँ सर, डीओएल। डीओएल डीओएल परसेंटेज चेंज इन डीओएल क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। DOL equal to how much? 1.71 percentage change in sales, 10% percentage change in EPS, EBIT कितना? 10% into 17.1%। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। घर में थोड़ा पढ़ो बेटा, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर में पढ़ो, खुद के साथ मत खेलो, लिटरल टाइम में फंस जाओगे और उस टाइम कुछ कर नहीं सकोगे, सामने देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों का भीतर में कुछ आता ही नहीं है करने के लिए तो मेरा कुछ बोलने का मतलब नहीं रहता। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्स इफ ईपीएस डिक्रीज बाय 12%? What is the effect of EBIT if EPS decrease by 12%? बोलो, ये किसके साथ किसका रिलेशन बोल रहा है? ये किसके साथ किसका रिलेशन बोल रहा है? इसके साथ किसका रिलेशन बोल रहा है? बोलो तो। DFL सर। सॉरी DFL। क्यों? क्यों बोलो सर? DFL के जरिए तुम्हें पता चलता है सर कि जो EBIT में जो परसेंटेज चेंज हुआ है ड्यू टू द EPS की वजह से।
सर डीएफएल से पता नहीं चलता है सर, डीएफएल रिप्रेजेंट करता है द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सॉरी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके यस सर। क्या होगा डीएफएल इक्वल टू यही तो दिखाता है दर्शाता है आपको डन। डीएफएल कितना 1.17 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल टू 12%। बोलो परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी क्या होगा? बोलो बोलो सर 14.1 सॉरी ठीक ठाक आंसर दो, हड़बड़ी मत करो। दैट इज इक्वल टू 1.17 बोल दिया है, परसेंटेज ऑफ ईपीएस बोल दिया, ईबीआईटी का चेंज कितना निकालोगे निकालो सर। डीएफएल 1.17 है, 6 था ना, 1.17 हाँ डीएफएल। बोलो सर 14.04 सॉरी 14.04% और कोई 0.14 सर सॉरी 0.14 अच्छा और सर 9.75 और एनी अदर आंसर सर 0.1025 सॉरी 0.1025 सर। देखते हैं कैसे आता है सर। सिंपल हिसाब, मेरे ऊपर वाला परसेंटेज वाला वो फिगर बोल दिया है, डीएफएल बोल दिया है, तो ईबीआईटी क्या होगा? ईबीआईटी इधर आएगा और इधर आएगा, दैट इज 12% डिवाइडेड बाय 12% डिवाइडेड बाय क्या डीएफएल, दैट इज इक्वल टू 1.17 यस और नो? 12 डिवाइडेड बाय 1.17 10.25% एग्री या डिसएग्री? यस सर। आप लोगों ने पहला दो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी समझे मल्टीप्लाई होगा, समझने का कोई बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन देखो। यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था बिकॉज यहाँ पर 1.17 बोल दिया था, सेल्स का परसेंटेज बोल दिया था, ये मिसिंग था, तो ऑटोमेटिकली ये और ये मल्टीप्लाई होगा नेचुरली, तब ये आ जाएगा। यहाँ पर ये फिगर बोल दिया है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर बोल दिया है, लेकिन परसेंटेज चेंज हो नीचे वाला फिगर नहीं बोला है, तो नीचे वाला फिगर ऊपर जाएगा और डीओएल नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। जो जो लोग गलत बोले थे उन लोगों का क्लियर हुआ? यस सर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी इफ ईपीएस हो गया सर,
सिक्स कैलकुलेट द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए मैं ये आप लोगों को ये दो आइटम मैंने नहीं सिखाया है, मैं सिखाऊंगा अभी। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जिस लेवल में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, यार फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट रुपीज हाउ मच 25,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट contribution on sales कितना? अच्छा contribution per unit 30 सर। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक relation है देखिए ऊपर में, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सेल्स 100,000 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा 60,000। मुझे 25,000 करने के लिए कितना सेल का जरूरत है? नेचुरली कम सेल का जरूरत होगा, तो कंट्रीब्यूशन if sales equal to rupees 100,000 contribution equal to rupees 60,000, yes or no? Right? Okay, for contribution rupees 25,000 sales equal to how much? The 15,000. 25,000 into 100,000 by 60,000. Yes or no? 60,000 contribution के लिए 100,000 लगता है, 25,000 contribution के लिए कितना लगेगा? One lakh divided by 60. 41,667 equal to 41,667। मतलब अगर आपका सेल्स 41,667 होगा तो वहां से आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट इज आपका क्या होगा, वही कंट्रीब्यूशन आपका रिकवर करेगा आपका फिक्स कॉस्ट। ये चीज आप लोग ऑलरेडी करके आए हैं, संबत सर आपको सिखाए थे सेमेस्टर 4 में। कहा सर? संबत सर ने आप लोगों को पीवी रेशियो कराया था ना, ये सर नो? जी सर। पीवी रेशियो का मतलब क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यहाँ पर सेल्स है 10,50 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज, कंट्रीब्यूशन है 30 रुपीज, सो वी कैन से दैट 30/60 दैट इज इक्वल टू 60% बा 60/sales इक्वल टू 60%। तो 25,000 अगर आपका फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लगेगा
तो सेल्स कितना लगेगा 25,000 बाय 60% मतलब तो एक ही हुआ, वही मैंने किया है देखो 25,000 डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज 41,667 डन 41,667 ठीक है यस सर सो दैट इज ऑन ऑपरेटिंग बीपी चले ऑपरेटिंग बीपी क्या है दैट इज अ लेवल ऑफ सेल्स याद रखना ऑपरेटिंग बीपी का मतलब है आपको सेल्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा जहां पर जहां से आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल टू आपका फिक्स कॉस्ट होगा सो आपका ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू रुपीज 41,667 मतलब ये और कुछ नहीं है दैट इज द सेल्स अगर 41,667 है तो वहां से जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वही कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट कवर करेगा और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू नो प्रॉफिट नो लॉस इज अ सेल वेयर चलो एक लाइन और भी बढ़ाते हैं वेयर ईबीआईटी इक्वल टू जीरो और ईबीआईटी मतलब क्या है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो सो और वी कैन राइट दैट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यस और नो यस सर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू जीरो एग्री और नॉट आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए नंबर एट कैलकुलेशन ऑफ ये है थियोरिटिकल डिस्कशन सेम वे में कैलकुलेशन ऑफ फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट Financial break-even point is the level of EBIT where EPS earning per share equal to zero. मतलब मेरा जितना EBIT है उससे मेरा क्या होगा सर उससे मेरा fixed charges में कवर कर लूंगा और EBIT का मतलब क्या है EBIT माइनस इंटरेस्ट वहां से क्या माइनस करोगे चलिए EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफ डिविडेंड माइनस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स टैक्स दैट इज इक्वल टू जीरो यस और नो बोलिए Agree or disagree? EBIT minus interest minus tax minus pref dividend minus corporate dividend tax equal to zero. Sir, ये थोड़ा समझाइए तो कैसे होता है? चलिए.
EBIT, that is मान के लिखते हो EBIT less interest, अच्छा earnings, इसको कहते हैं earnings. EBIT less interest कितना I, that is earning before tax कितना EBIT minus I. ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, interest. Less interest. कितना बेटा I, इसको क्या बोलेंगे earning before tax EBIT minus I. Less tax कितना T, that is earning after tax. अच्छा tax calculate होता है T into EBIT minus I into tax rate T. So we can take a common. So ये क्या हो जाएगा EBIT minus I, we can take a common from both the item into 1 minus T. Yes or no, ये point clear है. ऊपर में EBIT है, यहां से EBIT. चलो सर एक लाइन लिख दीजिए ना, आपका क्या जाता है. चलिए EBIT माइनस I माइनस क्या है, माइनस EBIT माइनस I इंटू T. Okay, so we can take a common equal to less preference dividend. Preference dividend, how much? PD. Less corporate dividend tax कितना PD into DT. DT corporate dividend tax. So earning
टू शेयर होल्डर कितना माइनस प्रेफ डिविडेंड वन प्लस डीटी डन यस और नो ठीक है तो फाइनेंशियल एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट EPS equal to zero or earnings to shareholder equal to zero. So we can say that that item equal to zero. बहुत अच्छी तरह से देखो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में अर्निंग तो जीरो हो जाएगा मतलब ये पूरा कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया वन प्लस डीटी कहां से आया देखो ए पी डी प्लस ए पी डी इंटू डीटी वहां से कॉमन लेकर ऑटोमेटिकली मैंने पहले भी कराया था लिवरेज के फॉर्मूला में और EBIT minus I 1 minus T equal to PD 1 plus DT or EBIT minus I equal to divided by 1 minus t yes or no yes sir Or EBIT equal to how much? ये तो आएगा ही plus I right plus interest मतलब मेरा दो fix EBIT इतना होना चाहिए so that it covered pref dividend as well as interest तो मेरा interest fix charge है और pref dividend जो before tax है ये दोनों मिला के मेरा टोटल ईबीआई अमाउंट इक्वल टू ईबीआईटी होना चाहिए सो ये ईबीआईटी को ही बोलेंगे क्या बीईपी मतलब ये कौन सा ईबीआईटी है बीईपी वाला ईबीआईटी डन तो चलिए प्रॉब्लम में आते हैं हियर फाइनेंशियल break even break even point equal to how much interest kitna beta question mein interest chalo interest hai 3600 pd matlab pref dividend that is 1000 is question mein 1 plus DT मतलब 1.0.15 अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो नहीं रहेगा 1000 रहेगा मतलब 1 plus 0.15 नहीं रहेगा टैक्स रेट 0.3 इंटरेस्ट आई थिंक 3600 कितना 1000 इनटू 1.15 डिवाइडेड बाय 0.07 1642 plus 3600
5243. तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है रुपीज 5243. एग्री? यस सर. तो ये दो कॉन्सेप्शन आप लोगों के लिए न्यू था, ये मैंने दे दिया है. ये पूरा ही मैंने एक कॉन्सेप्शन आप लोगों का लिए नहीं मैंने कराया था, वो दे दिया है. दो हो गया. नाउ आठ. हाउ मच ड्रॉप ऑफ ईवीआईटी इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाउन ईपीएस इक्वल टू जीरो? बोलो. कितना नंबर क्वेश्चन था ये? एट. How much drop of EBIT is necessary to bring the EPS equal to zero? मुझे ये बताओ तो बेटा, ये किसके साथ किसका रिलेशन बोल रहा है? ये किसके साथ किसका रिलेशन बोल रहा है? DFL सर. Very good. EBIT और EPS का रिलेशन बोल रहा है, मतलब DFL. बोलो क्या होगा? EPS को जीरो होना है. तो कितना परसेंट EPS था एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन में? सर EPS था 10.415. आपका एग्जिस्टिंग EPS होना है 10.415. कितना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होने से EPS इक्वल टू जीरो हो जाएगा? बोलो. Present EPS rupees 10.415. Target EPS आपको कितना EPS आप बोल रहे करना है? Zero. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Change in EPS. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. आप बोलो आपका सैलरी 10,000 था, कितना सैलरी ड्रॉप होने से आपका सैलरी आपका 10,000 है, कितना सैलरी आप होने से आपका सैलरी 20,000 हो जाएगा? 10,000 आरो इंक्रीज हो ले सर. परसेंटेज में बोलो 100%. वेरी गुड. 10% सर, 10,000 सैलरी आप था, कितना परसेंटेज चेंज होने से आपका सैलरी जीरो हो जाएगा? 100%. बोलना पड़ेगा. नहीं सर, 100%. इज इक्वल टू, सर मुझे थोड़ा समझा दीजिए. अरे भाई 10.415 माइनस जीरो, डिवाइडेड बाय 10.415 into 100, that is equal to कितना percent? 100%. ये समझ में आया ना? दिखाना पड़ेगा फिर से. आ गया सर. तुम लोग इतना काम कराते हो ना मुझसे. 10.415 दिया है. 10.415. कितना क्लियर? आई थिंक और कुछ बोलना पड़ेगा. डीएफएल आपको क्या दिखाता है? इक्वल टू
परसेंट चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या होगा? इक्वल टू 1.17 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोल दिया तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा? 1.17 सॉरी 100% डिवाइडेड बाय 1.17 क्लियर और नॉट? क्लियर 85.47% क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो देखो जितना कैलकुलेशन हो सकता है ओ चाहे ईपीएस हो ओ चाहे डीओएल डीपीएल लोड और डिफरेंट परसेंटेज इफेक्ट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सिग्निफिकेंट ड्रॉप ये सब हम लोगों ने कर दिया। अच्छा मुझे कुछ इम्प्लीकेशन बोल सकते हो? एक सेकंड हेलो ये बोल छन अपनी बोलो implication number 1 firm is operating over and above operating break-even point. देखिए operating break-even I think आया था आपका 47,000 और फॉर्म का सेल है 1,00,000 रुपया. Number 2, firm is operating over and above financial break-even point. বরুণ দা আমি ক্লাসে আছি তোমাকে ক্লাসে পড়াতে পারছি হ্যাঁ firm is operating over and above financial break-even point. How financial break-even point मेरा क्या आया था 5,243 और मेरा ईबीआईटी एग्जिस्टिंग सिस्टम में कितना है 35,000 वी कैन से दैट कंफर्टेबल फेवरेबल जोन में ही है. नेक्स्ट व्हाई कारण क्या है एग्जिस्टिंग ईबीआईटी इज 35,000 एंड EBIT for break even for financial break even is 5,000 how much? five two four three
ओके फ्रॉम ऑपरेटिंग द फर्म हैज फेवरेबल DOL and DFL. So it is so firm operating under a risk under risky situation. रिस्क सिचुएशन दोनों ही फेवरेबल है तो अगर रेवेन्यू जैसे बढ़ता है तो कंबाइंड लिवरेज में पॉजिटिव इफेक्ट आता है लेकिन रेवेन्यू अगर घटेगा तो कंबाइंड लिवरेज में उसका इंपैक्ट नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है तो ये सब इंप्लीकेशंस है अगर बोलेगा इंप्लीकेशन तभी लिखेंगे अदरवाइज नो मैंने आप लोगों के बताने के लिए लिख दिया है तो चलिए यहां तक मेरा सफर आप लोगों के साथ खत्म होता है डन कोई क्वेरी है तो कर लीजिए आज का क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कंबाइंड रिस्क सीखा कंबाइंड रिस्क एंड कंबाइंड लीवरेज कंबाइंड रिस्क एंड कंबाइंड लीवरेज हम लोगों ने और क्या सीखा फिनेंशियल ब्रेक इवन एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन कैलकुलेट करना सीखा और एक मास्टर टाइप प्रॉब्लम कराया है अच्छा सर प्रेफरेंशियल रहेगा हर क्वेश्चन में नेसेसरी मेरा आंसर होगा नो तो इग्नोर सर प्रेफरेंट रहेगा नेसेसरी नो अच्छा सर डिबेंचर प्रेफरेंशियल दोनों रहेगा नेसेसरी नो तो जो देगा अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है यहां का मैंने एक फॉर्म का दिया है हो सकता है आपका मल्टीपल फॉर्म दे कोई सवाल है तो कीजिए ये प्रॉब्लम को घर में अच्छी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के होमवर्क के लिए दूं चलिए सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं इलस्ट्रेशन टू एक्स वाई जेड सेल्स 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 12 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 16 कैपिटल स्ट्रक्चर 1000 10% डिविडेंड 20,000 लोन 8% लोन 20,000 tax rate 40% corporate dividend tax 10% मैंने एक चीज गलत किया आप देख रहा हूं ना ठीक किया है बाबा और मैंने सोचा है मैंने 8% लिया है 0.10 लिया है आप देख रहा हूं ना ठीक ही लिया है 0.15 ठीक है ये प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा 15% 13% 15% 20% इफेक्ट ऑफ ड्रॉप ऑफ यहां पर ईबीआईटी के जगह दिया सेल्स मतलब हाउ मच ड्रॉप ऑफ सेल्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग ईपीएस इक्वल टू जीरो मतलब मुझे कौन सा किसका रिलेशन हाथ में लगाना पड़ेगा डीसीएल सर
PCL का रिलेशन हाथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम आप घर में करेंगे, सेम टाइप का प्रॉब्लम आपका हाथ सेट हो जाएगा।